Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे थे इंद्रशेखर न्यूज। आपको एक दिखाते हैं हकीकत, एक सच्चाई जो कि पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। थाना प्रतापपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, एक लड़की जो कि जंगल में इस हालत में छोड़ के चले जाते हैं, घर वाले ने अपनी घर वाली को इतनी बुरी तरीके से मारपीट करी और उसको मरी हुई हालत में छोड़कर जंगल में रफो चक्कर हो जाता है। उसी के साथ में पुलिस ने एक मुकदमा कायम करा, पुलिस को रास्ते में लाश मिली पड़ी हुई, जैसे कि मरी हुई है, पर उसको देखा तो कुदरत के कमाल से उस लड़की को सांस आ गया। पुलिस ने उसके घर वालों को, उसके पिता को फोन करा, फोन करके उन्हें मौके बुलाया, जो कि पुलिस गश्त लगा रही थी। पुलिस गश्त लगाते हुए जो लड़की की हालत में, जिस हालत में लड़की मिली, पुलिस ने तुरंत फोन करा, इन्हें घर वाले हो मौके पहुंचे, उन्होंने देखा कि हमारी बेटी है ये। लड़की से पूछा गया तुम्हारे साथ किसने दुर्घटना करी है, तो उसने ही 6 आदमियों का नाम बताया था, जिसमें पुलिस ने 307 में मुकदमा कायम करा, जो उसकी FIR कॉपी मेरे हाथ में आपको नजर आ रही है, जिसमें 6 आदमियों का नाम मुकदमा दर्ज करा गया। नदीम, नईम, मोनिश, शकील, शाहिद, अकबर, इसमें 6 आदमियों का नाम मुकदमा कायम हुआ। अभी तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। इनके ही घर वाले जो कि गांव के रहने वाले हैं, बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं, जिनके बिना पढ़े लिखे आदमी हैं, इनके पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उन्होंने उनसे एक फैसलनामा, इन्होंने राजीनामा करा लिया था पुलिस में बैठ के। उन्होंने उस आधार पे उसे छोड़ दिया, लड़के को पुलिस ने उठाया था, गिरफ्तार करा था, पुलिस ने उसे वहां से छोड़ दिया। यही उनके वालिद खड़े हुए हैं, जो कि बिना पढ़े लिखे हैं, सीधे हैं, इनसे पूछ लिया था, इन्होंने उन्हें राजीनामा पर छुटवा देता। उन्होंने वादा करा था कि लड़की को हम ईद के बाद में ले जाएंगे, ईद के बहुत दिन हो गए जो लड़की चलेगी, अभी तक अपने घर पे ही है लड़की, लड़की कोई नहीं ले गया। लड़की की हालत जो देखी गई थी फोटो में है मौजूदा, और वो लड़का अपनी मालदारी के चूर में इस तरीके से चूर है कि जो गरीब आदमी का कोई साथ नहीं था, गरीब आदमी कोई साथ ही नहीं होता। गरीब आदमियों की हालत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि मालदार पे होता है, मालदार पैसा होता। उस लड़के की जितनी वीडियो सामने आ रही हैं, उसकी वीडियो सब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लड़का बैठा हुआ बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़ी बड़ी कारों पे हुक्का पीता है, गाड़ी में से पैसे 500-500 का नोट थूक लगा कर उड़ा देता है। उसकी मालदारी का गुरूर गाजियाबाद के कुछ उसके मित्र हैं, और जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, मेरठ के भी कुछ उसके मित्र हैं, दोस्त जो बड़े ही अच्छे घरों से ताल्लुकात रखते हैं, जो कुरैशी ब्रादर्स हैं, पैसे वाली पार्टी हैं, जो उस लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं। उस लड़के के सपोर्ट में उसकी ही यार दोस्त, एक नाम भी सामने आया है, दानिश, कि तू कर तेरा साथ हम देंगे। रुपो का मंडल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मंडलों को फोटो खींच खींच के उनके भाइयों को वीडियो वायरल करते हैं, ऐसी सी वीडियो उनके लड़की के भाइयों को, मेरे साथ में उनके भाई खड़े हैं लड़की के, इनने ऐसी ऐसी वीडियो वायरल कर रखे हैं लड़के ने, जो कि दिखाने लायक भी नहीं है। ऐसी वीडियो है जो हम तस्वीर में आपको दिखा भी नहीं सकते। वो लड़का कुछ लड़कियों के साथ में कार में इस तरीके से लड़कियों के साथ में अय्याशी कर रहा है कि आप देख नहीं सकते। अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी गैर औरतों के साथ में जो कारों में घूम रहा है, गाने गा रहा है, वायरल कर रहा है वीडियो, के बड़े शर्म की बात। हमारे ही देश में ऐसा हो रहा है लड़कियों के साथ में अत्याचार, जो कि मोदी जी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां बच रही है बेटी, नहीं बच रही बेटी, बेटियों का संबंध तो हो ही नहीं रहा। उनके खुद घर वाले अपनी घर वाली के साथ में इस तरीके से सलूक करते हैं, जो कि नजर नहीं आ रहा। आपको मुलाकात करते हैं उसी बिटिया से, जो अपना पेट पालने के लिए अपने घर पे इस सिलाई मशीन पे बैठी हुई कपड़े सी रही थी, मैं मौके पर चपा कर पहुंचा। यह बैठी हुई लड़की है मौजूद, जिसकी हालत जालिमों ने कर दी थी, आज अपने घर पे काफी दिन से बैठी परेशान है, जो अपने मुंह से बताएगी सारी दुर्घटना क्या हुई इनके साथ में। खड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? पुलिस को क्या हुआ आपके साथ में? क्या नाम आपके घर वाले? मेरे घर वाले का नाम नदीम है। कहाँ गई थी, कहाँ शादी हुई आपकी? मेरी शादी सच्ची बोलो, क्या करा था आपके घर वाले आपके साथ में? मुझे
आपको जंगल में छोड़ के गए थे, पूरी हालत में मारपीट करी थी, पुलिस ने आपको मौके पर देखा था, पुलिस ने बरामद करी। आपके वालिद बाद बाद में पहुंचे, पुलिस ने बताया ना आपके वालिद को? फोन करा हूँ आपकी लड़की वहाँ पे नहीं है, जब भी आए थे जब फिर वहाँ से लाए थे छतिपुर गए, फिर उससे भी ने ठा के लाए, और दो जने भाग गए थे, दो तीन जने भाग गए थे, और तीन जने आए थे, एक अकबर था और क्या कहते हैं एक मोहसिन नईम था और एक साहिब, तीन जने मौके पर भाग गए थे। आपके सिगरेट बुझे थे, आपकी हालत काफी गंभीर थी, अस्पताल में भर्ती रही थी आपके ही भाई ने, क्या नाम आपका, क्या चाहते हो, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ में, बहन के साथ में क्या हुआ था? मौके पर जो पुलिस वाले फोन आए थे, सुना पहुंचे थे, पहुंचने के बाद उन्होंने इंसाफ वाली बात कही थी, इंसाफ की बात करेंगे, अब कल मतलब कल देर तक सड़क हमारे थे, हमारे साथ थे, बोल रहे चाल रहे, अच्छा अगले दिन वहाँ से पता चला कि 2.5 लाख रुपए मिल गए दरोगा पे, मतलब 2.5 लाख रुपए पुलिस को दे दिए, दरोगा को भरे, तुमसे बताया किसी ने? उनके गांव में जो आदमी गए थे हम, अच्छा बातचीत कर रहे थे, बीच के आदमी होते, तो फिर उसके बाद में दरोगा जी पलट के बात कर रहे, उल्टे हमारे पे केस लगाने चालू करते, तुम नहीं करा है उल्टे दरोगा जी ना, उल्टे जी। आप जब मौके पर पहुंचे, लड़की के वालिद हैं, क्या नाम आपका? क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ में, जब कब के पास फोन, आपके पास फोन आया था? मेरे पास फोन आया जी, उन्होंने रात को 11 बजे फोन आया मेरे पास, 7:30 बजे के आस पास जी, मैं यहाँ से गया उनकी हालत कौन थी, उन्होंने मगर चल भैया पुलिस कहने लगी कैसे हो गया कैसे हो गया, और मगर जी मुझे यहाँ लड़का कल लाया था चल रही थी तो, और रात रात में देखा तो चल रही हो यहाँ है, कल शाम को जो काम हो रहा जी, लड़की को पुलिस ने भर्ती कराई अस्पताल, पुलिस में भर्ती, पुलिस ने करवाया भर्ती के लिए, उसके बाद में आपको थाने में बुला के आपसे राजनामा लिखवाया, राजनामा लिखवाया अगले दिन पुलिस ने लिखवाया, पुलिस ने लिखवाया जी, पूरे मुझे बदतमीजी कही, खूब गाली पाली बकी, सारे यहाँ भी फैसला वहाँ भी फैसला है, तो मन्ने जी मगर लड़की यही जाओगे, चलो मैंने फैसला बोली दिया राजीनामा, चलो भैया 10 तारीख को लड़की ले जाऊंगा, आज तक 10 तारीख नहीं होगी, अच्छा अंगूठे ले लिए आपसे, अंगूठे ले लिए मेरे, मैं हूँ अनपढ़ हूँ जी, बिल्कुल मुझे पता नहीं था क्या लिखा है, आपको आपने सुना, ये बड़े सीधे साधे एक गांव के आदमी हैं कि गरीब आदमी का कोई होता नहीं है, इतने गरीब आदमी हैं वो मालदार आदमी हैं, क्या पैसे वाले को हर कोई पैसे वालों को होता, पुलिस भी उल्टी गिनती गिन नहीं है, जब बता रहे कि पहले तो ठीक ठाक बोल रहे थे पुलिस वाले, और उसके बाद में जब पुलिस पर पैसा पहुंच गया तो वो आड़े तिरछी बात कर लिया, इस लड़के को क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पुलिस भी बिक जाती है, उस लड़के को जो तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, कैसी कैसी तस्वीरें हैं आप साइड में देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से लड़का खुलेआम काम करता फिर रहा समाज में, अगर इस तरीके से इस देश की बेटी बदनाम होती चली जाएंगी और उनकी इज्जत नहीं होगी तो कौन समाज में अपनी बेटी को चाहेगा, तो फिर तो ये चाहेगा कि पैदा होने से पहले लड़की को गला घोंट दे।